आज आपके सामने 12th क्लास का सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इसके एमसीक्यू में आपको बता रहा हूँ, सोशल इंस्टीट्यूशन यानी हमारे समाज में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी कॉन्टीन्यूटी आज भी बरकरार है और कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तो पहला एमसीक्यू है, व्हेन डिड कास्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 मेजर डिवीजन एंड वाज अ वर्णा सिस्टम। कहता है कब ये कास्ट सिस्टम कंसिस्ट हुआ था जिसमें 4 मेजर डिवीजन और वर्णा सिस्टम की बात की गई थी। पैलियोलिथिक पीरियड जो बहुत पहला पीरियड था, बहुत पुराना पीरियड, फिर वैदिक पीरियड जिसमें 900 से 500 BC तक जिसमें वेद लिखे गए थे, 4 वेद, फिर 19th सेंचुरी अभी 150-200 साल पहले, नन ऑफ द अबव, क्या इनमें से कोई नहीं। तो कास्ट सिस्टम जिसमें 4 मेजर डिवीजन थे और वर्णा सिस्टम जो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, ये था वैदिक पीरियड 900 से 500 BC तक, ये करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कास्ट सिस्टम। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कास्ट सिस्टम को। ऑप्शन 1, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, शुद्धता और अशुद्धता, डिफरेंस एंड सेपरेटिज्म, होलिज्म एंड हायरार्की, बोथ 2 एंड 3। बोथ 2 एंड 3 इज ओके आंसर, डिफरेंस एंड सेपरेटिज्म एंड होलिज्म एंड हायरार्की, ये राइट आंसर है। थर्ड एमसीक्यू है, हु स्टार्टेड अ नाइट स्कूल। नाइट स्कूल किसने स्टार्ट किया था फॉर एग्रीकल्चरिस्ट एंड डाइड वाइल सर्विंग प्लेग पेशेंट। कौन था ऐसा सोशल रिफॉर्मर जिसने नाइट स्कूल एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर के लिए, किसानों के लिए शुरू किया था रात का स्कूल, और प्लेग पेशेंट की सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। वो कौन था, सवित्री बाई फूले, ज्योतिराव गोविंद राव फूले, पेरियार या नन ऑफ द अबव। वो थी सवित्री बाई फूले, इन्होंने नाइट स्कूल शुरू किया था फार्मर के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, और प्लेग पेशेंट की सेवा करते करते, सर्विंग करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन 4 है एमसीक्यू, विच बुक इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन विलेज स्टडी। नीचे लिखो में से कौन सी बुक सबसे अच्छी है, बेस्ट नॉन जानी जाती है, विलेज स्टडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिसने समाज का वर्णन, सोसाइटी का वर्णन किया हो। उसमें थी पहली ऑप्शन ए द फॉरगॉटन विलेज यानी भूल जाने वाला विलेज, रिमेम्बर्ड विलेज याद रखा जाने वाला विलेज, विलेज स्टडी गांव की स्टडी, या डोमिनेंट विलेज एक ऐसा डोमिनेंट अपना रोग रखने वाला गांव। तो उसमें जो विलेज की स्टडी सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जिक्र है वो है रिमेम्बर्ड विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज राइट आंसर है। इसे आप अपने मेमोरी में ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। यू नेम द प्रोसेस इन विच मेंबर्स ऑफ अ कास्ट अटेम्प्ट टू रेज देयर ऑन सोशल स्टेटस। कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें किसी जाति के लोग अपने सोशल स्टेटस को ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करते हैं बाय अडॉप्टिंग द रिचुअल्स ऑफ कास्ट ऑफ हायर स्टेटस, और हायर स्टेटस के लोगों की तरह ऊंचा होना चाहते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है। संस्कृताइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन तो शहर होते हैं, शहरीकरण, मॉडर्नाइजेशन में नयापन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती हैं। तो ये तीन नहीं है, ऑप्शन ए संस्कृताइजेशन बेटर है कि वो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस, ये प्रोसेस का नाम है जिसमें किसी कास्ट के लोग अपने सोशल स्टेटस को ऊंचा उठाते हैं। क्वेश्चन 6 है, हु आर द डोमिनेंट कास्ट। नीचे लिखो में से कौन सी आंध्र प्रदेश की डोमिनेंट कास्ट है जिनका काफी रोब होता था। ऑप्शन ए रेडीज, ऑप्शन बी वोकालिगास, ऑप्शन सी खामास, ऑप्शन डी बोथ 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 यानी रेडीज और खामास, ये आंसर सही है, करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन ए रेडीज और खामास आंध्र प्रदेश की डोमिनेंट कास्ट के लोग थे या है। 7 है एमसीक्यू, द कैटेगरीज इन विच ट्राइबल्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज आर। वो कैटेगरी जिसमें
किसी भी ट्राइबल्स को हम लैंग्वेज के बेस पर कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कैटेगरी आप सुनिए, ऑप्शन ए इंडो आर्यन, ऑप्शन बी द्राविडियन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी ऑल द अबव। यहाँ पर जो ट्राइबल्स लैंग्वेज के बेस पर जिन्हें हम कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो इंडो आर्यन, द्राविडियन और ऑस्ट्रिक ये तीनों लैंग्वेज हैं, तो इसलिए ऑल द अबव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन एट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया इज। इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन यानी वो पॉपुलेशन जो जंगलों में रहती है, ट्राइबल पॉपुलेशन, उसका 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना परसेंटेज था? ऑप्शन ए 8.6%, ऑप्शन बी 8.94%, ऑप्शन थर्ड 9%, ऑप्शन फोर 18.6%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि 2011 के सेंसस के हिसाब से परसेंटेज ट्राइबल पीपल की जो जंगलों में रहती है वो थी 8.6%। द सोसाइटीज वेयर वुमेन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर मदर्स। वो सोसाइटी जिसमें औरतों को अपनी माता से, अपनी माँ से प्रॉपर्टी मिलती है, बट डू नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट, लेकिन उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे सोसाइटी मैट्रिलिनियल सोसाइटी, पैट्रिलिनियल सोसाइटी, मैट्रियार्की और पैट्रियार्की। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जिसमें औरतों का मदर की प्रॉपर्टी पर उनको मिलती है बट कंट्रोल नहीं होता उनका उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी स्थापना, इसको किसने खोजा था, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी अयंकली, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो इसका राइट आंसर है ज्योतिराव गोविंद राव फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। हु हेल्प्ड द दलित चिल्ड्रन वर अलाउड टू ज्वाइन स्कूल। किसने दलित बच्चों को स्कूल जाने की, स्कूल ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया था? वो कौन सा सोशल रिफॉर्मर था? ऑप्शन ए अयंकली, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन डी ज्योति राव फुले। तो जिसने दलित बच्चों को स्कूल जाने के लिए, स्कूल ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया था वो थी अयंकली, ये एक वुमेन थी, सोशल रिफॉर्मर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू, हु इज नोन एज द रैशनलिस्ट। कौन था जो रैशनलिस्ट था, समझदार था, एंड द लीडर ऑफ द लोअर कास्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया, इंडिया के नीचे के हिस्से में लोअर कास्ट के जो जाति के ग्रुप के लोग थे उनके मूवमेंट का लीडर भी था, कौन था वो? ऑप्शन ए पेरियार, इनका पूरा नाम है ई वी रामा स्वामी नायकर, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो साउथ इंडिया में लोअर कास्ट मूवमेंट का लीडर और रैशनलिस्ट जो था वो था पेरियार यानी ई वी रामा स्वामी नायकर। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंसर करेक्ट आंसर है, बाकी तीन बी सी डी ठीक नहीं है, तो पेरियार इज करेक्ट आंसर। ये साउथ इंडिया में लोअर कास्ट मूवमेंट के लीडर भी थे और रैशनलिस्ट भी थे। थैंक्स है डैश द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट। उस प्रैक्टिस का नाम बताइए जिसमें शादी अपनी ही जाति में की जाती है, उसको कहते हैं एंडोगैमी यानी अपनी ही जाति के अंदर। एक्सोगैमी होता है अपनी जाति से बाहर जाकर, और एंडोगैमी होता है अपनी ही जाति, अपनी ही बिरादरी में शादी करना। क्वेश्चन 14 एमसीक्यू है, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड द संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट की बात, नीचे लिखो में से किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट की बात एम एन श्रीनिवास ने की थी, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 15, हु वर नोन एज एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कौन होते थे? जो अपर क्लास के लोग होते थे उनका जमीन पर पूरा हक होता था, पूरा कब्जा होता था, तो जमींदार नहीं, लैंडलॉर्ड ये भी नहीं, अपर कास्ट के लोग जो होते थे वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते थे, उनका जमीन पर पूरा कब्जा होता था
और ऑल द अबव नहीं होगा इस, क्योंकि अपर कास्ट उस समय काफी डोमिनेंट कास्ट थी, काफी डोमिनेंट मानी जाती थी, तो जमीन पर इन्हीं का ही कंट्रोल होता था। नेशनल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द नेहरूवियन इरा, जब नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस नेहरू युग में जो नेशनल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली किस चीज़ को फोकस करता था, इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या नेहरूवियन इरा में जो नेशनल डेवलपमेंट देश के विकास की बात हुई थी, क्या उसमें लार्ज डैम की बात हुई थी, फैक्ट्री की बात हुई थी, माइंस की बात हुई थी, या ऑल द अबव? ऑल द अबव होगा क्योंकि नेहरूवियन इरा में लार्ज डैम बनाने की बात, फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश करने की बात और माइंस को खोदने की बात हुई थी, तो ऑल द अबव करेक्ट आंसर है। लास्ट एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, 17 क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना, यानी स्त्री और पुरुष यानी औरत और आदमी का जो कंपैरिजन है, वाज रिटन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये किताब लिखी गई थी कि अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए डबल स्टैंडर्ड मेल डोमिनेंट सोसाइटी, कि आदमी जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड के होते हैं। द ऑथर ऑफ दिस बुक वाज, इस बुक में जो स्त्री पुरुष का कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई है, इस बुक के ऑथर कौन थे? ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे, ऑप्शन बी अनीता घई, ऑप्शन सी सवित्री फूले, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसकी जो राइटर थी वो थी ताराबाई शिंदे, करेक्ट आंसर है। स्त्री पुरुष तुलना की राइटर ताराबाई शिंदे।